बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर क्यूरी बिल्डर, लारावेल में क्यूरी बिल्डर कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद क्या है, और आज हम देखते हैं। क्यूरी बिल्डर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। जब हमने कोई भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोई रिकॉर्ड फेच करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो हम लारावेल क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए अपनी क्यूरी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जो हमारे पास कोर पीएचपी थी उसके अंदर हम अपनी रॉ क्यूरीज लिखते थे, और रॉ क्यूरीज जो थी वो पास होती थी नेटवर्क लेयर पे, और फिर जाके वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें पीएचपी के अंदर हम रिकॉर्ड फेच करते थे। यहाँ पर हमारे पास क्यूरी बिल्डर की फॉर्म में हम रॉ क्यूरीज तो नहीं लिखेंगे, हमें बिल्ड हम रॉ क्यूरी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि बिल्ड इन फीचर्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हमारा सिंटेक्स शॉर्टर हो गया, और हम बेटर वे में लारावेल को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ों को हमें मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा लारावेल इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर क्यूरी लिखते थे किसी से पैरामीटर में कोई चीज़ लिखते थे, तो हम पैरामीटर के अंदर बहुत से स्केप करेक्टर्स भी होते हैं जिनको एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। बड़ा कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन था, उसको निगलेक्ट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए लारावेल के अंदर बिल्ट इन फीचर मौजूद है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द पैरामीटर्स, जस्ट हम अपने पैरामीटर पास करेंगे ऑटोमेटिकली। जो लारावेल फ्रेमवर्क है, क्यूरी बिल्डर है, वो पैरामीटर डीबी को पास करने से पहले उसमें से स्केप करेक्टर्स जो है वो रिमूव कर देगा और फिर इसको पास करेगा। तो क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए अपना नीट एंड क्लीन कोड लिख सकते हैं टू फेच डाटा, टू अपडेट और इंसर्ट डाटा, और उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम ईजीली अपना कोड लिख सकते हैं। अब इसका कुछ सेंटेक्स है, कुछ फीचर्स हैं, मतलब हमने सेलेक्ट कैसे लगानी है, हमने वेयर क्लॉजेस कैसे यूज़ करनी है, हमने डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, और डिफरेंट जो क्लॉजेस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वो कैसे यूज़ करने हैं, ज्वाइन कैसे यूज़ करने हैं। तो इसी को यूज़ करते हुए क्यूरी बिल्डर को हम ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन करेंगे कि हमने कैसे इनको यूज़ करना है क्लॉजेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिट्राइविंग डाटा। किसी भी एप्लीकेशन में डाटा जो रिट्रीव करना है वो सबसे मेन चीज़ होती है। आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ती है, डिफरेंट टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड्स फेच करने पड़ते हैं, तो बेसिकली रिपोर्टिंग है। तो इंसर्ट करना या अपडेट करना या डिलीट करना तो आसान है, लेकिन आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा फेच करना जो है उसके अंदर काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स आपको सिनेरियो फेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने भी हम एक सिंपल क्यूरी लेते हैं, हम जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते थे कि मुझे सारे के सारे यूज़र्स जो हैं या कोई भी टेबल के अंदर से सारे के सारा रिकॉर्ड जो है फेच हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर यूज़र का टेबल है तो यूज़र के टेबल के सारे रिकॉर्ड मुझे फेच हो जाएं। तो देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमने कंट्रोलर बनाना, कंट्रोलर के अंदर ये जो डीबी है, डीबी ये बेसिकली क्यूरी बिल्डर है कि डीबी के साथ इंटरेक्ट करो और टेबल जो यूज़र है, टेबल यूज़र है उसके सारे रिकॉर्ड गेट कर लो। ये इस क्यूरी का मतलब है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो डीबी है वो इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने ये ज़रूर लिखना है यूजिंग डीबी इल्यूमिनेट सुपर सपोर्ट एफके डीबी। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा कि डीबी फंक्शन नॉट डिफाइंड। अच्छा, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हम उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने सीएमडी में, आ जाते हैं सीएमडी के अंदर। हम जाएंगे जो हमने पहला, सबसे पहले तो हमें अपना वैम सर्वर चेक करना है, वैम सर्वर चल रहा है। जब भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है, हमने अपना वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो वैम सर्वर है वो वर्किंग कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने सीएमडी में, अपनी लोकेशन पे नेविगेट करेंगे सीडी में, सॉरी हमारा था वैम 64 सीडी, डब्ल्यू के फोल्डर में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट अभी हम यूज़ करें उसका नाम आएगा लारावेल हेलो। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, और उस कंट्रोलर के अंदर हम अपनी सारी क्यूरीज जो हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिजल्ट फेच करेंगे। तो कंट्रोलर बनाने की जो कमांड थी वो थी पीएचपी पार्टीशन मेक कंट्रोलर
कंट्रोलर का नाम दे देंगे हम इसको, देख देते हैं कुछ भी रख देते हैं, क्यूरी बिल्डर, मैं इसको क्यू भी रख देता हूँ, क्यूरी बिल्डर कंट्रोलर। और इसके साथ में माइनस रिसोर्सेज पास कर देता हूँ ताकि उसके अंदर जो डिफॉल्ट फंक्शन है इंसर्ट इंडेक्स का, शो का, स्टोर का, क्रिएट का, अपडेट का, वो क्रिएट कर देगा। माइनस आर मतलब रिसोर्सेज भी क्रिएट कर दे, उसके डिफॉल्ट जो एक्शंस मेथड है वो भी क्रिएट कर देगा। तो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में जिसका नाम है क्यूबी कंट्रोलर। मैंने इसको कमांड दी कि मेरा कंट्रोलर जो है वो जनरेट कर दो और उसके अंदर डिफॉल्ट एक्शन मेथड्स भी क्रिएट कर दो। ये कंट्रोलर क्रिएट करा है। इस दौरान मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक सैंपल डीबी मौजूद थी, मैं अपने लोकल होस्ट पे जाऊंगा, या लोकल होस्ट में मैं अपने पीएचपी एडमिन में जाऊंगा, माय पीएचपी माय एडमिन। तो मेरे पास एक सैंपल डीबी मौजूद थी, मैंने वो जो है रीस्टोर कर ली। ये आपको नेट से भी मिल जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने अपनी डीबी बनानी है आप खुद से भी डीबी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस डीबी में डिफरेंट टेबल्स हैं, इसमें एक तो सबसे पहले कंट्री का टेबल है, कंट्री के टेबल में डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं, जैसे उसका कोड आ रहा है, जैसे पाकिस्तान होगा तो उसका पी ए के होगा, नेम कंट्री का, कॉन्टीनेंट कौन सा, अफ्रीका में है, एशिया में है, रीजन भी इसी तरह से वो कौन से रीजन में वाक़ है, साउथ एशिया में है, किधर वाक़ है, और सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंस ईयर, पॉपुलेशन कितनी है उसकी, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सिटी कोड है ये हमारी प्राइमरी की है और ये दूसरे टेबल में हमारी फॉरेन की होगी या रेफरेंस की होगी। तो अब एक सिटी का टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट सिटीज़ आ रहे हैं। अब ये जो काबुल है ये कौन सी कंट्री का सिटी है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कंट्री कोड से पता चल रहा है। और जो कंट्री कोड है वो कंट्री के टेबल में प्राइमरी की था और यहाँ पे ये फॉरेन की है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो वन टू मैनी का है कि एक कंट्री के कई सिटीज़ हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान सिटी और कंट्री के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कंट्री कोड की वजह से है। तो हमें कंट्री कोड से पता चल जाएगा कि ये सिटी कौन से कंट्री का है। यहाँ पे क्योंकि इसका कंट्री कोड अफगानिस्तान आ रहा है तो उसका मतलब है अफगानिस्तान का, इसी तरह कंधार भी जो है वो अफगानिस्तान का है, ये नेदरलैंड के एम्स्टरडम। तो ये कंट्री कोड से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी सिटी जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। इसी तरह से फिर आगे सिटी की पॉपुलेशन आ रही है डिफरेंट सिटीज़ की, और कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीज़ के टेबल में आ रही है, सिटीज़ की पॉपुलेशन सिटीज़ के टेबल में आ रही है। इसी तरह एक और टेबल है हमारे पास कंट्री लैंग्वेजेस का कि कौन सी लैंग्वेज किस मुल्क में बोली जाती है। अगर ये डच जैसे एक लैंग्वेज है तो डच कहाँ बोली जाती है, डच जो है वो कंट्री कोड से हमें पता चल जाएगा वो कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंट ये बोली जाती है। तो कंट्री लैंग्वेज और कंट्री के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा कंट्री कोड से ही रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो ये मैंने एक डमी डेटाबेस जो है डमी डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस। ये आपको नेट से भी अवेलेबल होगी, आप अपनी डेटाबेस भी बना सकते हैं, एम्प्लॉय की डेटाबेस भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे एम्प्लॉय सैंपल डेटा, तो वो भी आपको मिल जाएगी, एम्प्लॉय सैंपल डेटा फॉर माई एसक्यूएल। अच्छा, अब हमने ये किया कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली, हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया और हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर ली। अब हमने करना ये है कि हमने अपनी एप्लीकेशन में जाना है, अब हम इस डेटाबेस इंटरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनवायरनमेंट के टेबल में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, क्योंकि हम पहले जो है वो डिफरेंट डेटाबेस इंटरेक्ट कर रहे थे, अब हम एक नई डेटाबेस इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नाम दे देंगे, हमारी डेटाबेस का नाम जो है वो है वर्ल्ड, ये है, ये ऑलरेडी मैंशन कर दिया मैंने वर्ल्ड। यहाँ पे हम अपना नाम चेंज कर देंगे, ये मेरी डेटाबेस है, यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड जो है वो मेरा कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। तो ये मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी कि अब जो मेरी लारावेल की एप्लीकेशन है वो हेलो सॉरी वर्ल्ड की जो डीबी है इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। अब मैंने अपना देखता हूँ, मैं जो कंट्रोलर बनाया मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है,
मैंने कंट्रोलर अपना बनाया था क्यूबी कंट्रोलर के नाम से, तो मेरा क्यूबी कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम एक सिंपल ऐसा करते हैं कि हम सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो फेच कर लेते हैं, हम सिटीज फेच कर लेते हैं, हम अपनी सारे के सारे कंट्रीज फेच कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्यूरी बिल्डर यूज़ करने के लिए आप लिखेंगे डीबी, डीबी में जाओ और क्या करो, सारे के सारे टेबल, कौन सा टेबल, डीबी में जाओ और टेबल पकड़ो, कौन सा टेबल पकड़ो, कंट्री का टेबल पकड़ो और सारे कंट्री गेट करके ले आओ। ठीक है, इसको शो कराने के लिए सिंपल हम रिटर्न लिखेंगे। इसको हम व्यू को भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। रिटर्न करेंगे तो जेसन फॉर्म में प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब उसको तो नहीं पता क्यूबी क्या है, हमारी एप्लीकेशन बन रही है लोकल होस्ट हेलो वर्ल्ड क्यूबी। उसने एरर दिया है, कह रहे हैं राउट नॉट डिफाइंड है, मुझे उसको राउट नहीं मिला, क्या नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है, उसको राउट नहीं मिला, क्योंकि हमें राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन के जितने भी राउट्स होते हैं, यूआरएल जो भी यूज़र हिट करता है वो फिजिकली फाइल्स होती नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा ये कौन सा कंट्रोलर को हिट करे और कौन सा एक्शन कॉल हो या कौन से व्यू को ये जाके हिट करे, कौन सा व्यू यूज़र को रिस्पॉन्स में जाए, क्योंकि राउट टेबल में इसका राउट मौजूद नहीं था, तो हमें एरर आ गया कि मुझे तो पता ही नहीं है इसको मैं रिक्वेस्ट को कैसे सर्व करूँ, कौन से कंट्रोलर पे भेजूँ, कौन से एक्शन पे भेजूँ उसके बाद, और यहाँ फिर मुझे कौन से व्यू पे जाना है। तो लारावेल को समझ नहीं आई इस बात की। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में राउट कॉल होता है, तो हमें ये राउट डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये क्यूबी कॉल हो तो आप जो है जाओ, अच्छा हमारा जो राउट है वो राउट्स के फोल्डर के अंदर वेब राउट्स में पड़े होते हैं। ठीक है, आप इसको बताओगे कि आप क्या करो, राउट में जाओ, राउट में हम कहेंगे कि जब भी यूजर यूआरएल में इंटर करेगा क्यूबी क्यूरी बिल्डर, तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है क्यूबी कंट्रोलर पे, और क्यूबी कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का जो एक्शन है वो कॉल कर लेना है। तो ये हमने राउटिंग टेबल में एक राउट डिफाइन कर दिया कि जब भी यूजर यूआरएल में आके क्यूबी टाइप करेगा तो क्यूबी कंट्रोलर कॉल करो और इंडेक्स का एक्शन उसके अंदर से कॉल कर लो। ये हमने लारावेल के अंदर राउटिंग टेबल डिफाइन कर दिया, और जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, जब यूजर क्यूबी इंटर करेगा तो अब वो राउट टेबल में जाएगा। राउट टेबल में क्योंकि हमने बता दिया लारावेल को कि जब क्यूबी कॉल हो तो आपने क्या करना है कि आपने क्यूबी का कंट्रोलर कॉल करना है और उसके अंदर इंडेक्स का एक्शन जो है वो कॉल कर लेना है। अब मैं इसको हिट करूंगा तो अभी भी एक्सेप्शन दे रहा है क्यूबी, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या मैंने अपना राउट सही डिफाइन किया है। हाँ, इसको स्मॉल कर देते हैं, सॉरी इसको भी स्मॉल कर देते हैं। अच्छा, अब हमें एक एरर आ गया। जब आप लारावेल यूज़ करते हैं, अपाची के अंदर होस्ट करते हैं, तो आपके जो यूआरएल होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आप क्यूबी लिख रहे हैं तो डिफरेंट पेज सर्व होगा, और अगर आप कैपिटल क्यूबी लिख रहे हैं तो इसका डिफरेंट मीनिंग है, अगर आप स्मॉल की भी लिख रहे हैं तो इसमें ये, अगर आप अपाची की होस्टिंग है, आपकी लिनक्स की होस्टिंग है, अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं पीएचपी में, अपाची की जहाँ होस्टिंग यूज होती है वहाँ पे जो आपके यूआरएल है ये केस सेंसिटिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द ASP.NET, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है होस्टिंग इन्वायरमेंट वो इंटरनेट जो है IIS है, तो फिर जो है आपके URL केस सेंसिटिव नहीं होते। बहरहाल ये जस्ट एक नॉलेज थी, तो आपने याद रखना है कि आपके जो URL हैं वो केस सेंसिटिव हैं। कैपिटल क्यूबी की मीनिंग और है और स्मॉल क्यूबी की मीनिंग और है, आपको दो डिफरेंट राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप अब वापस आते हैं। हम लोगों ने जब क्यूबी लिखा, पहले एरर आ रहा था हमारे पास के राउट डिफाइन नहीं है, हमें समझ आ गई कि क्योंकि कैपिटल क्यूबी लिखा था इसलिए वो राउट डिफाइन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो स्मॉल क्यूबी का राउट डिफाइन किया हुआ है। तो मैं स्मॉल क्यूबी जो है वो इंटर करता हूँ, तो क्या हुआ, उसने एक डिफरेंट एरर दिया। वो कह रहा है आपने जो डीबी की क्लास यूज़ की है वो मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो क्या है। ठीक है, क्यों नहीं पता उसको, क्योंकि हमने उसकी नेम स्पेस ऐड नहीं की। आपको इस तरह का एरर आएगा, क्लास ऐप कंट्रोलर डीबी नॉट डिफाइंड, डीबी हमने कहाँ यूज़ किया है, डीबी
डीबी हमने बेसिकली यूज किया था अपने कंट्रोलर में। ये हमारा क्यूबी कंट्रोलर है, इसको शुरू में ले आते हैं। तो ये मेरा क्यूबी कंट्रोलर है, ये डीबी का वर्ड मैंने यूज किया था। अब उसको उसकी समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि हमने उसकी नेम स्पेस नहीं ऐड की। तो इसकी नेम स्पेस आपने ऐड कर लेनी है। ये पड़ी होगी इल्यूमिनेट में, एल्यूमिनेट में सपोर्ट में। ये आपको नहीं भी याद होता है, ये आपको नेट से मिल जाता है डीबी। ठीक है, मैंने यहाँ भी डिफाइन की थी। तो अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप इसको नेट से भी ले सकते हैं, आपको नेट से ये अवेलेबल हो जाएगी। आप इसी एरर को अगर सर्च करेंगे, आपको बहुत से एरर फेस होंगे जो आपके अनसीन होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी एरर आता है आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट सर्च इनटू द गूगल, गूगल इट। आपने स्टैक ओवरफ्लो जो है ये, इस पे आपको काफ़ी प्रोग्रामिंग की हेल्प मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़रा थ्रेड्स होंगे जिस तरह आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, अगर आप इस पे ऊपर पोस्ट भी कर सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे, आप डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी और यहाँ पे बहुत सी जॉब्स भी होती हैं, रिमोट जॉब्स। देखें आप रिमोट जॉब्स आ रही हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के बाद इन जॉब्स को भी पिच कर सकते हैं और यहाँ से अपनी रिपोर्ट जॉब भी गेट कर सकते हैं। काफ़ी हाईली पेड जॉब होती हैं। तो आप स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ करें, आपको कोई भी एरर आता है आप उसको स्टैक ओवरफ्लो में सर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें। ये आपको देखें बता रहा है कि इस एरर का क्या मतलब है। और अगर आपके पास कोई नॉलेज आ गया है तो आप क्या करेंगे कि आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं और दूसरों के क्वेश्चंस पढ़ें। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट हो रहे होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के जो है आंसर करें जिनका आपको आंसर आता है। आप अपना अकाउंट बनाएं और उनके आंसर्स करें, तो इससे आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्ड होगी और यहाँ पे आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिनसे आप यहाँ से क्लाइंट जो है उसको क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बहरहाल आप कोई भी एरर आता है आप उसको गूगल करें और उसको स्टडी करें, आपको डिफरेंट एरर आएंगे। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट एरर आएंगे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो यू विल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, अनसीन इश्यूज जो शायद आपको आ रहे हों, दूसरों को भी आए होंगे। तो आपको इंटरनेट से काफ़ी इन्फो मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे आप यूज होते जाएंगे, आप एरर्स को फास्ट तौर पर पढ़ें, आप एरर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब आप एरर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि फ्रेमवर्क किस तरह बिहेव कर रहा है। बेसिकली एक रिबोट है, तो रिबोट जो है वो आपको रिबोट की समझ आ जाएगी कि रिबोट किस तरह का एरर थ्रो कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि रिबोट का फ्लो क्या है। आप एरर्स को पढ़ेंगे आपके लिए, फिर एरर आप जैसे ही एरर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी मेरी कौन सी एप्लीकेशन में किस पार्ट में क्या चीज़ मिसिंग है। तो अभी जो इसने एरर दिया था वो डीबी का दिया था कि मुझे डीबी क्लास जो है वो नहीं मिली। अब देखिए हमने डीबी क्लास लगाई है तो उसने हमें सारे के सारे कंट्रीज रिटर्न कर दिए हैं। अगर हम फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ज़रा हमें डाटा फॉर्मेटेड मिल जाता है, अगर हम क्रोम यूज़ करते हैं तो उसमें जेसन फॉर्मेट नहीं मिल रहा होता। तो मैं फायरफॉक्स में आके इसी यूआरएल को पेस्ट करता हूँ और अब ये देखिए ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉर्मेटिंग जेसन में। इसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नीटर लुक इसने उसको जेसन में फॉर्मेट कर दिया, तो ये कंट्रीज इसने मुझे रिटर्न कर दिए। पहला कंट्री जो है वो ये अरूबा आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, और ये इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए कि सरफेस एरिया कितना है, इंडिपेंडेंस ईयर कब हुआ, पॉपुलेशन कितनी है। तो ये उसने डिफरेंट सारे के सारे कंट्रीज मुझे जो है वो रिटर्न कर दिए। हुआ क्या, मैंने कंट्रोलर में जो क्यूरी चलाई थी कि डेटाबेस के अंदर से सारे कंट्रीज गेट करके ले और उसको रिटर्न कर दो, तो इंडेक्स का कंट्रोलर कॉल हुआ और उसने सारे के सारे ये मुझे कंट्रीज जो हैं ये रिटर्न कर दिए। ठीक है, इसके अंदर हम चाहें तो हम एक कंट्री गेट कर सकते हैं, दो कंट्री गेट कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट क्लॉजेस लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल सेलेक्ट थी कि हमने डेटा रिट्रीव कैसे करना है। अगर आपने एक टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स फेच करके लाने हैं तो आप क्या कहेंगे, क्यूरी बिल्डर को कहेंगे डीबी, जिसका सेंटेक्स है डीबी, टेबल के साथ इंटरेक्ट करो, कौन से टेबल के साथ, यूजर के या कंट्री के टेबल के साथ, और सारे के सारे उसके रिकॉर्ड ले आओ। गेट के मेथड से वो सारे रिकॉर्ड फेच करके ले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
हमने अगर अपना रिकॉर्ड फेच करना है उसके अंदर वेयर क्लॉज लगानी है, मतलब हम मेरे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान जो है उसकी एंट्री गेट करूँ, तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको गेट करते हैं। मैं वापस अपने कंट्रोलर में जाऊँगा, ठीक है, मैं अपने कंट्रोलर में आया, मैं चाहता हूँ मैं जस्ट पाकिस्तान गेट करूँ, मैं यहाँ लिखूँगा वेयर। अब हमारे पास उसमें कॉलम था जो हमारी प्राइमरी की है वो कोड है, कंट्री कोड जो आ रहा है, कंट्री के टेबल में कोड है, कहता हूँ कि जहाँ मेरा जो कोड है वो टीए के है, सिर्फ उसको ले आओ। मैंने इसको कहा तुम लेके आओ, डीपी में जाओ और कंट्री के टेबल से इंटरेक्ट करो, और कंट्री के टेबल के अंदर जिस कंट्री का कोड पीए के है, पाकिस्तान है या पीए के है, बस मुझे वो दे दो, जितने भी हैं, एक हैं दो हैं, मुझे वो रिकॉर्ड दे दो। तो पीए के तो एक ही है फिलहाल, अगर दो होंगे तो ये दो भी दे देगा। तो इसको मैं दोबारा इंटर करता हूँ, इसने क्या किया, तो जिस कंट्री का कोड जो पीए के था इसने वो रिटर्न कर दिया। अब जस्ट एक ही कंट्री आ रहा है जिसका कोड पीए के है, इसमें पाकिस्तान है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ आप इसमें, इसमें हो सकता था इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसके अंदर हो सकता था कि एक कोड जो है वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉपुलेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ इंडिपेंडेंस ईयर जो है वो 1947 है, सॉरी 1947, 1947, 1947 में कितने मुल्क बने थे, दो मुल्क बने थे और आगे पीछे बने थे, दोनों की जो डेट है, एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में डिक्लेयर की, और दोनों 14 और 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस मनाते हैं। तो अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वो कंट्रीज दे दो जो कंट्री जो है जिनका इंडिपेंडेंस ईयर 1947 है, तो कितनी कंट्रीज रिटर्न होंगी, दो तो होंगी। अब इसमें देखें एक तो इंडिया आ गई, क्या अगर मैं इसको फायरफॉक्स में खोल लूँ और इसको मैं दोबारा एंटर करूँ, तो एक तो मेरे पास इंडिया आ गई और एक पाकिस्तान आ गई, तो इसने मुझे दो कंट्रीज रिटर्न की है, एक पाकिस्तान 1947 इंडिपेंडेंस ईयर एंड द सेकेंड वन इज द इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो हैविंग द इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ 1947। सो इसने मुझे दो कंट्रीज रिटर्न कर दी, लेकिन मुझे चाहिए एक कंट्री। मैं चाहता हूँ मुझे पहली कंट्री दे दो जो भी 1947 में पहले बनी थी, मुझे वो दे दो जो पहले आ रही है आपके पास। तो मैं इसको कहता हूँ आप गेट की जगह मैं कर दूंगा फर्स्ट, मुझे वो कंट्री रिटर्न करो जो 1947 में बनी थी और जो पहली आ रही है वही रिटर्न करो, मुझे दो नहीं चाहिए। मैंने उसको कमांड दी मुझे एक चाहिए, उसने एरर दे दिया, उसने एरर इसलिए दे दिया कि क्योंकि अब ये स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर रहा है, और मुझे यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं मल्टीपल रिकॉर्ड ले रहा था, अब मैं कर लेता हूँ मेरा रिजल्ट, ठीक है, और मैं करता हूँ रिटर्न, क्योंकि मैं इसको पास नहीं कर रहा, उसको व्यू को मैं यहीं से इसको, सॉरी, इसको इसने खुद से कोड जनरेट कर दिया, इतना ज़्यादा कोड मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए इतना, मैं सिंपल कर देता हूँ, इसको भी मैं सिंपल कर देता हूँ, हेडर भी नहीं डिफाइन करना, जस्ट मुझे रिजल्ट रिटर्न करना है, सॉरी। तो अब मैं इसको जैसे हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टेस्टिंग हम लोग कंट्रोलर से ही डेटा पास कर रहे हैं वापस, तो इसलिए हम इसको व्यू को पास नहीं कर रहे, पहले हम जस्ट एक अरे पास कर रहे थे, अब हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही है, तो वो इस वजह से एरर दे रहा था। अब मैं जाता हूँ वापस, ये सिंटैक्स एरर आएगा। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने कहा उसको कि 1947 जिस कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है वो गेट करो, और जो पहली आ रही है बस मुझे एक 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 रिकॉर्ड रिटर्न कर दो, मुझे दो तीन चार कंट्रीज नहीं चाहिए, जो फर्स्ट मैचिंग कंट्री आ रही है वो रिटर्न कर दो।
तो मैंने इसको आके इंटर किया तो इसने मुझे एरर दिया था। मैं दोबारा इंटर करता हूँ, अभी भी एरर दे रहा है। अब कह रहा है रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स को भी यूज़ करने के लिए आपको नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, सॉरी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, वो आप ऐड करेंगे रिस्पॉन्स, RESPONSE। ठीक है, आप अब इस एरर से फेमिलियर हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह का कोई एरर आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि नॉट फाउंड रिस्पॉन्स और क्लास नॉट फाउंड और DB नॉट फाउंड, इसका मतलब है यू आर मिसिंग सम नेम स्पेस और यू आर मिसिंग सम सम रेफरेंस, यू हैव टू इंक्लूड सम रेफरेंस, यू हैव टू इंक्लूड सम लाइब्रेरी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स की लाइब्रेरी की इंक्लूड करने की ज़रूरत थी, जहाँ उसकी डेफिनेशन है उसको तो हमने ऐड किया। अभी भी कह रहा है रिस्पॉन्स जो है वो आई थिंक इट्स कैपिटल, लेट्स चेक दैट आउट। तो अब वापस आते हैं, ठीक है, वो कैपिटल रिस्पॉन्स आर था, तो इट्स केस सेंसिटिव। अब मैंने इसको कहा था मुझे पहली कंट्री रिटर्न कर दो, तो इसने इंडिया रिटर्न कर दी। जो फर्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड आ रहा था उसने वो रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेट नहीं है, अगर डेट होती तो मैं इसको ऑर्डर बाय डेट करवा लेता और फिर गेट करता तो फिर पाकिस्तान पहले आना था, क्योंकि यहाँ पे गेट डेट नहीं है, ईयर ईयर ही आ रहा है और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड हुए हैं, अल्फाबेटिकली उठा आ रहा है, तो इसलिए इंडिया पहले आ रहा है, उसने इंडिया जो है उसको पॉपुलेट करवा दिया। तो इस तरह से हम एक रिकॉर्ड अगर हमने फेच करना हो तो हम एक रिकॉर्ड भी फेच कर सकते हैं, हमने मल्टीपल करने हो तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने अभी तक क्या किया, हमने सीखा कि डेटा रिट्राइव कैसे करते हैं। डेटा रिट्रीवल के लिए हम लोगों ने सिंपल सेलेक्ट लगाई, सारे रिकॉर्ड गेट किए, फिर हमने सिंगल रिकॉर्ड गेट किया, फिर हमने उसके ऊपर क्लॉज लगाई वेयर की कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ पाकिस्तान चाहिए जिसका कंट्री कोड, या कोई भी कंडीशन लगानी हो कि मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए जिसका नेम जो है वो जॉन हो, या कोई ऐसी सिर्फ एक किसी क्लॉज की बेस पे रिकॉर्ड चाहिए, फिल्टर रिकॉर्ड चाहिए, तो हम वेयर की क्लॉज लगा सकते हैं। फिर उस वेयर की क्लॉज में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं तो हमने सिर्फ फर्स्ट प्रो गेट करनी हो, फर्स्ट रिकॉर्ड करना, उसके लिए हम फर्स्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, गेट की जगह फर्स्ट आ जाएगा। या इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मल्टीपल जो आप गेट करें लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गेट कर लें, जैसे जहाँ पे कंट्री कोड पी ए के आ रहा है या कोई भी कंट्री कोड आ रहा है 1947 आ रहा है, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो गेट कर लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट की जगह पे वैल्यू लिख देंगे, हम फर्स्ट की जगह वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मुझे दे दो कंट्री का नाम, ये कौन सी कंट्री है, तो इसको मैं नेम करता हूँ, आके देखते हैं क्या होता है, इंडिया। ठीक है, तो उसने हमें इंडिया रिटर्न कर दिया। हमारा जो कॉलम था, कॉलम का नेम हमने दिया कि हमें वो कंट्री रिटर्न कर दो जिसकी इंडिपेंडेंस 1947 थी, तो उसने हमें फर्स्ट जो मैचिंग रिकॉर्ड था वो हमें रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने जो है मल्टीपल गेट करने हैं, फॉर एग्जांपल ये तो उसने फर्स्ट जो था वो रिटर्न कर दिया था वैल्यू से, तो अगर हमने मल्टीपल गेट करने, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉलम है और मैं वो सारे कॉलम गेट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अपने सारी कंट्रीज की लिस्ट के सिर्फ नाम गेट करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनके कोड गेट करना चाह रहा हूँ, तो हम प्लक यूज करेंगे। प्लक क्या करता है कि ये लिस्ट ऑफ कॉलम वैल्यूज रिटर्न कर देता है, मतलब मेरे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे के सारे कंट्रीज के नाम रिटर्न हो जाएं, पहले तो मुझे एक नाम रिटर्न हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा अपनी क्यूरी में, क्यूरी बिल्डर में, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कि प्लक, फिर यू के प्लक रिटर्न मी द नेम ऑफ द कॉलम्स, रिटर्न मी द नेम्स, मुझे नाम रिटर्न कर दो। अब ये क्या करेगा, सारी कंट्रीज के नाम रिटर्न कर देगा। मैं अपनी क्यूरी चलाता हूँ तो इसने सारी कंट्रीज के नाम रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको फायरफॉक्स में खोलूंगा तो मुझे बेटर जेसन फॉर्मेटेड नजर आ जाएगी, इसने सारी कंट्रीज के नाम रिटर्न कर दिए।
एक ही कॉलम की लिस्ट रिटर्न कर दी। इसी तरह से अगर हमने इसका कोड गेट करना है तो हम इसके यहाँ लिख देंगे नाम की जगह पे हम जस्ट टाइप करेंगे कोड, तो ये क्या करेगा हमें सारी कंट्रीज के कोड रिटर्न कर देगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर देगा। इसने हमें सारी कंट्रीज के कोड रिटर्न कर दिए। इसको हम यहाँ पे व्यू कर लेते हैं, गिव अस बेटर फॉर्मेट ऑफ द जेसन। तो इसने हमें सारी कंट्रीज के कोड कर दिए। इस तरह हम प्लग यूज करते हैं, वी वांट टू रिटर्न लिस्ट ऑफ वैल्यूज सो वी कैन यूज प्लग। सो वी कैन ऑल्सो फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, इफ यू हैव अ कलेक्शन सो वी कैन आइट्रेट ओवर द कलेक्शन। तो हम फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, जब अपने व्यू में इसको पॉपुलेट करवाएंगे तो हम कलेक्शन को मैनिपुलेट करने की आइट्रेट करने के लिए हम लोग लूप्स यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अगर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखानी है। इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और हमने उनको जो है चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रीबल जो है वो आसान हो जाए, स्मॉल हो जाए, ज़्यादा यूजर को वेट ना करना पड़े, तो हम चंक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चंक आप चाह रहे हैं कि मैं पहले 100 रिकॉर्ड रिटर्न कर लूँ या 10, मेरे पास हैं तकरीबन यहाँ पे 4000 कंट्रीज हैं, तो मैं 10-10 के चंक्स भी बना सकता हूँ। चंक बनाने का सिंटैक्स देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जाना है अपने वापस, मेरी कंट्रीज आ रही है, मैं कहता हूँ इसको ऑर्डर बाय देना है कि किस तरह आप इसको ऑर्डर करो, चंक किस बेस पे बनाओ, चंक आप कोड के बेस पे बना लो और चंक के अंदर आप क्या करो इसके चंक्स बनाओ। चंक कितने चंक्स बनाए आप इसके, 10-10 के चंक्स बनाने और इसके अंदर चंक जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं और यस रिजल्ट जो है मेरा आ जाएगा। इसका ये सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास इस आ रही है इसके अंदर 10-10 कंट्रीज का चंक आएगा, तो पहला चंक जो होगा 10 का होगा, फिर 10-10-10-10-10 इस तरह ये चंक्स हमें रिटर्न करेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसने मुझे 10 का रिटर्न किया तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। और ये सॉरी मैं यहाँ करता हूँ कि मुझे रिजल्ट इको करा दो, बल्कि मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे रिस्पांस जो है वो रिटर्न करवा दो रिजल्ट का। इसको आर एस कर देते हैं और इसको रिटर्न फॉल्स। कि यहाँ से आगे ये लूप नहीं चलेगा, ये फर्स्ट 10 ही रिटर्न करेगा। तो हम इसको चला के देखते हैं। इस तरह से आप जो 10-10 है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सॉरी इस टाइम इसने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, लेट मी चेक दैट। इसको कमेंट करते हैं और रिटर्न डॉलर और यस चेक करते हैं। इसको करेंगे इको हम इसको चेक करते हैं। अब इसने हमें पहले जो 10 थे 10 का चंक्स इसने हमें दे दिया, तो इस तरह हम इसको चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं तो हम उनको छोटे छोटे चंक्स बना सकते हैं और उसको हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से ये चंक का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है वो हमने एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं। एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जैसे आपने सम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने, काउंट फाइंड करने, किसी चीज़ का सम, ये बिल्ड इन है। मैक्सिमम गेट करना है मतलब पॉपुलेशन जो है वो कंट्री हम चाहते हैं जिसकी सबसे पॉपुलेशन है, जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हम गेट कर सकते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन गेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम डिफरेंट फीचर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने क्यूरी में वापस। अभी हमने ये करना है कि हम कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम
जो जिस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो गेट कर लेगा। तो कंट्री हम लगाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम, हमारे पास जो फील्ड है वो है, अभी भी इसको एक चंक खत्म कर देते हैं। मैं करता हूँ पॉपुलेशन मैक्सिमम पीओपी आईवन पॉपुलेशन, वो कंट्री गेट कर लो जिसकी पॉपुलेशन मैक्सिमम आ रही है। तो ये क्या करेगा, मुझे क्या रिटर्न करेगा, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये उसने मैक्सिमम पॉपुलेशन रिटर्न कर दी कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है। फिर इसी को मैं करता हूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गेट कर लो। इसी तरह से मैं कहता हूँ इसको कि आप ऐसा करो, मैक्सिमम पॉपुलेशन मैं ट्राई करता हूँ कि इस कंट्री का नाम गेट कर लें। अगर इस तरह से आप इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। एरर आ रहा है, मतलब सेलेक्ट जो है वो स्पेलिंग नहीं सही। लेट्स सी क्या ये चलता है। नो सेलेक्ट कॉल्ड द मेमोरी फंक्शन ऑन एंट। बेसिकली उसने क्योंकि एंट रिटर्न कर दिया पहले, तो अब वो जो है उसके ऊपर हम कॉलम रिटर्न नहीं कर सकते, उसने काउंट गेट कर दिया है। अच्छा अब हम ये करते हैं कि इसमें से हम कहते हैं कि मुझे वो बता दो, वो कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन दे दो जो एशिया में है। तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, हम कॉलम का नाम से कर लेंगे यहाँ पे आके कि हमारे कॉलम का नाम क्या है। इसमें आई थिंक कॉन्टिनेंट है, अपने डीबी में आएंगे कंट्री में आएंगे तो हमारे पास ये कॉन्टिनेंट आ रहा है। तो हम कहेंगे कि कॉन्टिनेंट जो एशिया है, कॉन्टिनेंट CONTINENT कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है, तो हमें उसका रिकॉर्ड दे देगा। सॉरी वेयर जो है उसके अंदर मैंने मिस कर दिया, सिंटेक्स एरर था। तो अब दोबारा चलाते हैं इसको। मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी तरह मैं इसको कहता हूँ यूरोप में मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है, यूरोप। तो उसने हमें मैंने कॉलम की जगह लिख दिया, मैंने वैल्यू में लिखना था, कॉन्टिनेंट कॉलम की वैल्यू में आना था। तो यूरोप में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी कंट्री की है वो इतनी है। इस तरह से हम लोग गेट कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम भी इसी तरह से हम गेट कर सकते हैं। मिनिमम यूरोप में पॉपुलेशन कितनी है किसी कंट्री की, 1000 है मिनिमम पॉपुलेशन अगर कोई कंट्री है। और मैक्सिमम तो हमने देख लिया है। ये हमारा इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम कैसे यूज़ करना है, मिनिमम कैसे यूज़ करना है, और डिफरेंट वेज हैं इसके। इसके अलावा आप इसके ऊपर हमने वेयर क्लॉज भी लगाना सीख ली कि एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन एशिया में कितनी है कंट्रीज की, और यहाँ पे आप जस्ट एवरेज लगा दें AVG। तो ऑलरेडी मैंने चेक लगाया हुआ है कि एशिया यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में कंट्रीज की एवरेज पॉपुलेशन इतनी है। और अगर हम इसी तरह से इसको एशिया कर दें तो एशिया में जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है वो कंट्रीज की, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, तो वो पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगी कि एशिया के अंदर हमारी एवरेज पॉपुलेशन जो है वो कितनी आ रही है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, इसलिए वो कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी भी नहीं आया, देख लेते हैं। तो मैंने क्या गलती की है, एवरेज पॉपुलेशन स्पेलिंग की मिस्टेक थी। तो एशिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एवरेज इतनी आ रही है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, ये एग्रीगेट फंक्शन हैं, इनको हम डिफरेंट रिजल्ट्स गेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम काउंट भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे टोटल कंट्रीज कितने हैं, तो मैं सिंपल लिखूंगा काउंट और इस तरह से इसको
चला दूंगा तो ये मुझे टोटल काउंट देगा, 239 कंट्रीज आ रहे हैं अभी जिसने गेट किए हैं। 239 कंट्रीज हैं जो हमारे टेबल के अंदर से रिटर्न हुए हैं। इस तरह से आप काउंट गेट कर सकते हैं कि टोटल कितनी रोज जो हैं वो रिटर्न हुई हैं, तो इस तरह हम काउंट गेट कर लेंगे। ये एग्रीगेट फंक्शंस को हम इस तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी कि हमने चेक करना है कि क्या कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या पाकिस्तान कंट्रीज के टेबल के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं करूँगा वेयर नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान और मैं आगे उसका चेक लगाऊंगा एग्जिस्ट्स। ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ई एक्स आई एस टी एस एग्जिस्ट क्या कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसके अंदर नहीं कर रहा, हमारे नेम का जो कॉलम है स्पेलिंग मेरे गलत थे तो उसने इसलिए कहा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने स्पेलिंग सही किया मैं करता हूँ तो वो कहता है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आपने कोई रो चेक करनी है कि कोई रो एग्जिस्ट कर रही है, कोई कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर किसी स्पेसिफिक फील्ड पे आप चेक कर सकते हैं कि डीबी में ये रो एग्जिस्ट करी है या नहीं करी, तो उसके लिए एग्जिस्ट का इस तरह से यूज करेंगे, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लॉज है वो है सिंपल सेलेक्ट, जो भी हमने यूज कर लिया है। आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक कॉलम जो है वो सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, इसी की जगह मैं कर देता हूँ सेलेक्ट, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, एग्जिस्ट भी ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि आप क्या करो सेलेक्ट करो नेम एज कंट्री। ये हम एलियस बना सकते हैं, ठीक है, नेम को एज कंट्री कर लो और क्या हमारे पास कोड एज कंट्री कोड सेलेक्ट कर लो, उसका कॉलम का नाम कंट्री कोड मुझे रिटर्न करना। आप एक नेम सेलेक्ट कर लो आर ए कोड सेलेक्ट कर लो, नेम को कंट्री कर दो और कोड को कंट्री कोड कर दो। अब मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए। उसने हमें अभी तो उसने एरर रिटर्न किया, हमने गेट नहीं लगाया। अब देखें उसने हमें कंट्रीज सेलेक्ट ये हर रो में, इसको अगर मैं ले जाता हूँ फायरफॉक्स में तो ये मुझे ऑर्डर कर देगा, उसमें मुझे आसानी हो जाएगी। उसने क्या किया, मैंने दो कॉलम रिटर्न किए ना, उसके अंदर मैंने सेलेक्ट में कहा मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, एक कंट्री चाहिए, नेम को एज ए कंट्री शो करा दो और जो कोड है उसको कंट्री कोड शो करा दो। उसने हर कंट्री के अगेंस्ट दो कॉलम जो है एलियस बना के मुझे रिटर्न कर दिया कंट्री और कंट्री कोड। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक कॉलम अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और उनको एलियस भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारी सेलेक्ट की क्लॉज के हमने सेलेक्ट की क्लॉज कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो हैं जी जॉइंस। जॉइंस जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंस हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस में। इसके अंदर जो है इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन है, सेल्फ जॉइन भी होता है। तो मेन जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन में ये होता है जैसे अगर हम इस क्यूरी को देखें, अगर आप ये क्यूरी आपको नज़र आ रही है, जब आपने मल्टीपल टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड फेच करना हो तो हम जॉइन यूज़ करते हैं। मतलब एक से ज़्यादा टेबल है आपके पास और उनके अंदर आपने किसी कंडीशन की बेस पे मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करने हैं। एक से ज़्यादा टेबल से जब आपको डाटा लाना होगा तो आप जॉइंस यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन देखिए, अब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर यूज़र्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास हर यूज़र का कॉन्टेक्ट का डाटा भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे वो कॉन्टेक्ट चाहिए जहाँ यूज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है और कॉन्टेक्ट के टेबल में कॉन्टैक्ट भी उसका एग्जिस्ट कर रहा हो, मुझे वही यूज़र चाहिए। तब मेरे पास यूज़र का टेबल हो गया और एक कॉन्टैक्ट्स का टेबल हो गया, दो टेबल हो गए। अब मैंने क्या किया, कहता है मुझे ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन का ये मतलब है कि दोनों टेबल में डाटा मौजूद होना चाहिए मैचिंग। अब वो किस बेस पे मैच हो रहा है, वो आईडी की बेस पे मैच हो रहा है, यूज़र आईडी की बेस पे। तो ये मुझे यूज़र्स का डाटा रिटर्न करेगा और कॉन्टैक्ट भी रिटर्न करेगा। किसके रिटर्न करेगा, उनके जो जहाँ पे यूज़र आईडी
यूजर का यूजर आईडी कॉन्टेक्ट के अंदर एक कॉलम पड़ा होगा यूजर आईडी का, उससे मैच हो रहा होगा। अगर मैच नहीं हो रहा होगा तो ये रिटर्न नहीं करेगा। तो मुझे ये वो कॉन्टेक्ट रिटर्न करेगा जो यूजर के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिसका यूजर आईडी कॉन्टेक्ट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे अगर कोई ऐसा यूजर है जिसका कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये वो रिटर्न यूजर ही रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ वो यूजर रिटर्न करेगा जिनके अगेंस्ट कॉन्टेक्ट और ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल टेबल के अंदर से अपना रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ज्वाइन लगाना है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो हैं उनका सिटीज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ इसको ज्वाइन कर दो, किसके साथ ज्वाइन कर दो, कंट्री के टेबल, सिटी के टेबल के साथ। ठीक है, और सिटी के टेबल के अंदर मुझे वो सिटीज चाहिए जिनका जिनका कंट्री के टेबल के अंदर जो कोड है वो मैच हो रहा हो जो हमारा सिटी का टेबल है, जो हमारा सिटी का टेबल है सिटी डॉट उसके कंट्री कोड से। तो मुझे ये वो कंट्रीज रिटर्न करेगा जिनका ये वो कंट्रीज और सिटी रिटर्न करेगा, वो कंट्रीज रिटर्न करेगा जिनके सिटी मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा सिटी होगा जिसके अंदर कंट्री कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ये वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिनके अंदर सिटी जिस कंट्री के अंदर सिटी मौजूद है। या अगर इनका मैच नहीं होगा तो ये रिटर्न नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ज्वाइंस को, कि ये वो रिकॉर्ड रिटर्न करता है। इनर ज्वाइन जो है ये तब यूज़ करते हैं जब हमें देखना हो कि दोनों टेबल्स में जो हमारे टेबल हैं उनमें रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो ही रिटर्न करेगा। अगर वो एक मैच नहीं हो रहा तो वो नहीं रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे लेफ्ट ज्वाइन है, इसी को मैं लेफ्ट ज्वाइन बना देता हूँ। अब इसका ये मतलब है, मुझे लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि सारे कंट्रीज दो, कंट्रीज इसमें सारे रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंट्री भी आ जाता है जिसका सिटी मौजूद नहीं है तो सिटी को ये रिटर्न नहीं करेगा लेकिन कंट्री रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला पूरा टेबल रिटर्न कर दो और जो बाकी है, जो हमारा बाद वाला टेबल है राइट सिटी वाला, उसमें से वो रिटर्न करो जो मैच हो रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला मुझे पूरा रिटर्न कर दो। तो इस तरह से हम लेफ्ट आउटर लेफ्ट ज्वाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं लेफ्ट में क्या कह रहा है। लेफ्ट ज्वाइन इंस्टेड ऑफ इनर ज्वाइन यूज द लेफ्ट ज्वाइन मेथड, द लेफ्ट ज्वाइन मेथड हैज द सेम सिग्नेचर एज ज्वाइन। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजर गेट कर रहे हैं कि सारे के लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट वाला टेबल पूरा रिटर्न कर दो। इसमें सारे यूजर रिटर्न होंगे लेकिन वो पोस्ट रिटर्न नहीं होगी जिसके अगेंस्ट यूजर डिफाइन है, वो यूजर रिटर्न नहीं होगा। कि लेफ्ट ज्वाइन में के यूजर सारे रिटर्न कर देगा ये, लेकिन वो पोस्ट नहीं आएंगे जिनके अगेंस्ट कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पूरा टेबल आएगा, तो इसको कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट पूरा टेबल आएगा लेकिन राइट के जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे वो रिटर्न हमारे रिजल्ट सेट में नहीं आएंगे। इस तरह से हम लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्रॉस ज्वाइन भी है, सेल्फ ज्वाइन भी है। सेल्फ ज्वाइन अपने टेबल के ऊपर ही लगता है और डिफरेंट सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं। आगे वेयर क्लॉज है, अभी हमने यूज़ की थी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो कंट्रीज आ जाएँ जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1000 से या 5000 से कम है। ठीक है, मैं कहता हूँ वेयर पॉपुलेशन POPUL population is less than 1000, 5000 कर देते हैं, 10000, ठीक है 10000। अब मुझे वो कंट्री चाहिए जिनकी पॉपुलेशन जो है वो लेस देन या इक्वल है 10000 के, तो उसको मैं क्यूरी को रिफ्रेश करता हूँ। एरर आ गया, सॉरी, मैंने कहीं पे पैरेंथेसिस
अच्छा, मैंने टर्मिनेशन स्टेटमेंट नहीं दी जिसकी वजह से एरर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन स्टेटमेंट मिसिंग है क्या? ये कंट्री है, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है पैरेंथेसिस। अब इसने मुझे वो कंट्रीज दी है, मैंने गेट नहीं लगाई है, मैंने गेट भी तो करने थे रिकॉर्ड्स, या मुझे वो सारे रिकॉर्ड गेट करने हैं। गेट इज ओके, गेट के साथ सिंटैक्स एरर। मुझे इसने वो कंट्रीज रिटर्न कर दिए जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1000, 10,000 से कम है। जो मैं इसको 5000 कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ तो ये कितने। अगर इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ काउंट भी लगा सकता हूँ कि कितने हैं वो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 5000 से कम है। तो काउंट की स्पेलिंग गलत हो गए, सही कर लेते हैं। अब चेक करते हैं, 16 ऐसे कंट्रीज हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो 5000 से कम है, तो उनकी लिस्ट भी हम गेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लगाएंगे, वैल्यू करेंगे और नेम गेट कर लेंगे, तो वो हमें उसका नाम दे देगा। यहाँ प्लग यूज़ करके सारे के सारों के नाम वैल्यू गेट कर लेंगे, कौन कौन से वो हमारे पास कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 5000 से कम है। इसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, अगर जिनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 या 1000 है। इसी तरह से हम नॉट इक्वल का ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन या जिनका कोड जो है जो एशिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो नॉट इक्वल का ये ऑपरेटर है, वेयर के अंदर हम नॉट इक्वल। अब स्ट्रिंग को मैच करने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि मुझे वो सारे कंट्रीज चाहिए जो जो एंड हो रहे हैं वो टी से, या वेयर, मैं इसको कर लेता हूँ वेयर वेयर नेम लाइक को कहते हैं, वो कंट्रीज दे दो जो एंड हो रहे हों, जिनके एंड पे आ रहा हो टी एन। ठीक है, अब इसको गेट कर लेते हैं, यहाँ पे गेट इसको ट्राई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देता है। कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने सिंटैक्स में कुछ एरर छोड़ दिया। ओके, मुझे वो कंट्री चाहिए जो टी से स्टार्ट हो रहे हों, और इसके अंदर वो कंट्रीज आ रहे हैं जिनके अंदर टी ए एन, मैंने बड़ा टी एन लिख दिया है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, इसकी वजह से इशू आया कैप्स। और लेट्स सी व्हाट हैपन, इसको भी मैं दे देता हूँ कंट्री वेयर नेम गेट्स ओके। Let's try this. नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न में नहीं आ रहा है। बट इस तरह से आप लाइक ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट लाइक के ऑपरेटर को दोबारा देख लेते हैं, लाइक के स्पेलिंग मेरे सही नहीं थे जिसकी वजह से जो इशू आ रहा था। इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अब जितने भी कंट्रीज आप देखेंगे उनके लास्ट में टी एन आ रहा होगा। अब ये अगर देखिए अफगानिस्तान टी एन, इस तरह से ये भूटान है उसके एंड पे भी टी एन आ रहा है, कजाकिस्तान है उसके एंड पे भी टी एन आ रहा है, इस तरह ये कजाकिस्तान है, डिफरेंट हैं कंट्रीज, किर्गिस्तान है, मोरिटानिया है, तो मोरिटानिया इसके अंदर भी टी एन आ रहा है। तो इस तरह अब ये जो मैंने क्यूरी लगाई थी इसके अंदर कहीं भी टी एन आ रहा हो, अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में टी एन आ रहा हो तो मैंने ये लास्ट में दे दिया। अब लास्ट वाले आ जाएंगे कि जिनके एंड पे टी एन आ रहा है। अब ये वो कंट्रीज आ रही है जिनके एंड पे टी एन आ रहा है, जस्ट ये वो सारी की सारी कंट्रीज आ गई। इस तरह से आप स्ट्रिंग मैचिंग भी यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर को यूज करते हुए। नेक्स्ट हमने वेयर क्लॉज देख ली। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल वेयर क्लॉज लगाएं, एंड क्लॉज जैसे हम यूज़ करते थे, तो उसको हम ब्रैकेट्स में दे देते हैं इस तरह से,
और इसी तरह से अगर हम और भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ वो कंट्रीज आएं जिनकी पॉपुलेशन जो है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ, सॉरी, हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर देन हो, या मैं कहता हूँ लेस देन हो, उनकी पॉपुलेशन लेस देन हो 10,000 से। ठीक है, मेरे पास वो कंट्रीज आएंगे जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से लेस होगी। और फिर आपने मल्टीपल कंडीशंस देनी होंगी, जैसे ये डबल कंडीशंस दी हुई हैं, तो फिर आप इस तरह से अरे यूज करेंगे। ठीक है, अरे ऑफ अरेज। तो अभी मेरी एक तो कंडीशन ये हो गई, इसके अंदर अरे आनी थी, अरे ऑफ अरेज है ये। एक मेरी ये कंडीशन हो गई, दूसरी मैं चाहता हूँ वो कंट्रीज आए जिनका जो नेम है वो स्टार्ट हो रहा हो, जिनका नाम जो है वो स्टार्ट, सॉरी चला गया, जिनका नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा हो ए से। ठीक है, बाकी जो मर्जी आए आगे, जिनका ए से नाम स्टार्ट और जिनका आबादी 10,000 से कम हो। तो अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो ये मुझे रिजल्ट रिकॉर्डेड नहीं, अब ये वो आ रही है कंट्री जिनकी अगर आप पॉपुलेशन भी देखेंगे तो वो 10,000 या उससे कम होगी। 10,000 की पॉपुलेशन है जिसका नाम जो है वो ए से शुरू हो रहा है। इसी तरह से जितनी भी कंट्रीज हैं उनका नाम ए से शुरू हो रहा है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम है। उसने मुझे वो इस तरह डबल, अगर आपने कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो एंड दिस, तो एंड ऑपरेटर को हम इस तरह यूज करेंगे। इस तरह आपने अगर और ऑपरेटर यूज करना है तो आप वेयर की जगह पे यहाँ वेयर लिखेंगे, इसको हम कर देते हैं खत्म। इस तरह वेयर यूज करेंगे आप, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, और साथ दोबारा लिखेंगे वेयर और, ये जैसे अगर आपने और की क्लास यूज करनी है और वेयर, जहाँ पे ग्रेटर ये एंड के लिए कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, और ये अगर आपने यूज करना है कि या तो उसके वर्ड्स 100 हो या फिर उसका नाम जॉन हो, तो फिर हम और वेयर यूज करेंगे इसी तरह से डिफरेंट क्लॉज के लिए। तो ये हमारी और की स्टेटमेंट आ गई, एंड की स्टेटमेंट इस तरह यूज होगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास है ग्रुपिंग है, ग्रुप बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप करना चाह रहे हैं ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय की क्लास देख लेते हैं। ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय दो होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो ऑर्डर बाय भी हमने काफ़ी यूज कर लिया है। अगर मेरे पास लिस्ट आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर बाय हो जाए नेम डिसेंडिंग। हमारे पास दो ही ऑर्डरिंग होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो रिकॉर्ड नजर आएंगे हमें वो सेंडिंग ऑर्डर में नजर आएंगे। सॉरी, क्या है रिटर्न सिंटैक्स एरर है, टर्मिनेशन स्टेटमेंट नहीं दी, वजह से एरर आया था। ये सेंडिंग ऑर्डर में अब सी से शुरू हो रहे हैं हमारे, इसको हम अगर इसी तरह से असेंडिंग कर देंगे तो ये ए से शुरू होंगे। इस तरह से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं कॉलम्स की बेस पर। अगर स्ट्रिंग होगा तो वो स्ट्रिंग की बेस पे हो जाएगी, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर की बेस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। अब हमने ग्रुप बाय यूज करना है। जब आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं तो आप उसके साथ वेयर नहीं यूज करते, फिर ग्रुप बाय की जगह पे आप हैविंग यूज करते हैं। वहां पे आप अपनी कंडीशन जिस लाइक आप वेयर यूज करते हैं, इसी तरह से आप हैविंग यूज करते हैं। जब भी आपने ग्रुप बाय यूज करना है, आपने हैविंग यूज करना है, क्योंकि ग्रुप जब आप कर लेते हैं तो वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा बन जाता है अलग से। अब मैं अपने डेटा को ग्रुप करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंट्रीज को ग्रुप करता हूँ कॉन्टिनेंट की बेस में,
तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बेस पे ग्रुप बाय कर दो, ठीक है, और सारी गेट कर लो। उसके अंदर हम कंडीशन भी दे सकते हैं डिफरेंट। तो मैंने कॉन्टिनेंट के बेस पे अपने सारे कंट्रीज जो हैं वो ग्रुप कर ली। आगे मेरी मर्जी है, अगर कंडीशन है मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो मैं इसको चलाऊंगा तो इसने एरर थ्रो कर दिया, क्या कहते हैं जी, ओके सिंटैक्स एरर, एक्सेस वॉयलेशन, वर्ल्ड और कोड इज नॉट ग्रुप बाय, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंट। दोबारा देखते हैं, इसने कहा जी सिंटेक्स एरर है और एक्सेस वॉयलेशन है, वर्ल्ड डॉट कंट्री कोड इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज। ओके तो हम इसको कर लेते हैं कि आप सेलेक्ट कर लो, इसमें से हम कुछ फील्ड्स गेट कर लेते हैं सेलेक्ट, जैसे कॉन्टिनेंट ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सॉरी, ये कह रहे हैं कॉल टू द अनडिफाइंड फंक्शन सेलेक्ट, वो मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं दी, जैसे एरर आ रहा था। तो रिफ्रेश करते हैं, अब इसने क्या किया, कॉन्टिनेंट की बेस पे मुझे इसने दे दिया कि कितने कॉन्टिनेंट है, ग्रुप कर दिए कॉन्टिनेंट्स को, एशिया है, यूरोप है। इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कॉन्टिनेंट की, मतलब तो किसी भी कॉलम के बेस के आप ग्रुप करेंगे और वो आपको सेलेक्ट में देना होगा। इस तरह से हम अपना ग्रुप बाई क्लॉज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आप टेक और स्किप की क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 रिकॉर्ड जो है वो उठाने हैं और 20 स्किप करने हैं, तो हम टेक और स्किप की भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि मैं वापस आता हूँ अपने कोड में, मैं कहता हूँ मुझे कंट्रीज जो है फर्स्ट 10 जो है वो स्किप कर दो। तो मैं कहूँगा इसको इस तरह से स्टेटमेंट दूंगा कि फर्स्ट 10 कंट्री स्किप कर दो और उठा लो नेक्स्ट टेक। यहाँ पे लिखूंगा टेक नेक्स्ट 5। इस तरह से आप स्किप और पेजिनेशन में हम यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए। तो उसने पहले 10 जो है हम स्किप कर दिए और नेक्स्ट 5 उठा लिए। तो इस तरह से हम जो ये स्टेटमेंट है टेक और स्किप की, इसको पेजिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 स्किप कर दो और अगले 10 उठा लो, फिर कहेंगे फर्स्ट 30 स्किप कर दो, 3rd पेज पे चले जाएंगे जब हम, फिर जब 4th पेज पे चले जाएंगे हम 30 स्किप कर दो नेक्स्ट टाइम उठा लो। इस तरह से हम इसको पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने के लिए स्किप और टेक को कर सकते हैं। इस तरह सिमिलरली इंसर्ट है, अगर आपने अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो हम लोग यूज करेंगे db table, और यूजर इंसर्ट जैसे हमने वेयर की क्लॉज में दिया कि हम अरे बना लेंगे, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ आप कैसे करेंगे। सिंपल वे है, यहाँ पे हम आएंगे, हम लिखेंगे db और इंसर्ट, ठीक है, db आगे टेबल का नाम आएगा जैसे अभी हम लिख रहे थे, और उसके बाद हम इंसर्ट का फंक्शन यूज कर लेंगे। सिमिलरली जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही इसका सिंटैक्स है। टेबल कौन सा टेबल में इंसर्ट करो, कंट्री कर देंगे, ठीक है, कंट्री बताएंगे उसको और साथ उसको बताएंगे कि इंसर्ट करो, और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे अब हम इसकी अरे बना लेंगे कि हमने जो भी कॉलम देना है, फॉर एग्जांपल हमारा नेम है तो हम नेम लिखेंगे और आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे कि पाकिस्तान, या इस तरह से। फिर हम दूसरा कॉलम देंगे, हम उसका कोड लिखेंगे, की देंगे कोड के अंदर इसके डाल दो PAK। इस तरह से हम डिफरेंट कॉलम जो है वो स्पेसिफाई करते जाएंगे और ये हमारी इंसर्ट की स्टेटमेंट होगी। सिमिलरली जो है हमारे पास अपडेट की भी होती है, अगर हमने अपडेट करना है तो हम
सिमिलर वे में अपडेट की क्लॉज यूज करेंगे। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे की और वैल्यू इस तरह से वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की वैल्यू, तो कॉमा लगा के भी हो सकता है। आप एक स्ट्रिंग बना लें और इसको यहाँ पे कॉमा लगा दें और की वैल्यू सारे कॉलम्स आप अपने पास करते थे और एक इंसर्ट में वो चल जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने एक रे में मल्टीपल अपने कॉलम डिफाइन कर देने हैं, ठीक है, तो इंसर्ट की स्टेटमेंट इस तरह भी डिफाइन की जा सके। अपडेट भी सिमिलर वे में आप बताएंगे कि मेरा कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। क्लॉज लगानी पड़ेगी डीपी अपडेट, अपडेट कर दो डीपी टेबल, कंट्री का टेबल अपडेट कर दो, कंट्री के टेबल के अंदर अपडेट कर दो, इसको हम बताएंगे कि अपडेट किसको कर दो। इससे पहले हम वेयर क्लॉज लगा लेंगे, ठीक है, कि जहां पे कोड इज इक्वल टू, कोड जो है वो पी ए के ओ, अगर हम क्लॉज नहीं लगाएंगे वो सारे रिकॉर्ड अपडेट कर देगा, तो वहां उसका जो नेम है वो अपडेट कर दो पी ए के आई एस टी है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसको भी हम ब्रैकेट्स में देंगे, मल्टीपल भी आप दे सकते हैं अरे की फॉर्म में, यहाँ पे आप इसको अरे की फॉर्म में दे सकते हैं, एक अरे इस तरह दूसरा कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपने इसकी पॉपुलेशन अपडेट कर सकते हैं, आप लिखेंगे आप पी ओ पी यू एल ए टी आई पॉपुलेशन और आगे उसकी वैल्यू जो भी हम देना चाह रहे हैं वैल्यू उसकी हम दे देंगे। इस तरह से हम अपडेट की भी क्यूरी यूज़ करेंगे रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट की है, डिलीट भी सिंपल है, उसमें भी वेयर क्लॉज देना है, अगर हम वेयर क्लॉज नहीं देंगे तो सारे रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देगा डीबी टेबल का नाम और आगे डिलीट क्लॉज। और अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं जो स्पेसिफिक डेट से आ गए हैं या एक स्पेसिफिक क्लॉज पे पूरे उतरे हैं फिल्टर पे, तो हम वो वेयर की क्लॉज यूज़ करके उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर लेंगे। तो ये सारा हमारा क्वेरी बिल्डर था कि डिफरेंट क्लॉजेस बताएं जो मेन मेन यूज़ होनी है, बेसिक्स जो हैं जिनको अगर आप यूज़ कर लें तो आप बाकी किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं। ये हमारी सारी की सारी आज क्वेरी बिल्डर क्लास थी, क्वेरी बिल्डर को कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट उसकी कैसी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट क्लॉजेस को कैसे उसमें इंटीग्रेट करना, कैसे हम अपनी क्वेरीज रन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।